lymph, that is tissue fluid. As the blood passes through the capillaries and the tissues, some water along with many small water-soluble substances move out into the spaces between the cells of the tissues, leaving the larger proteins and most of the formed elements in the blood vessels. जैसे ही ब्लड जो है कैपिलरीज के थ्रू पास करता है टिश्यूज में, तो ब्लड ने क्या किया, ब्लड ने ऑक्सीजन ले लिया, ब्लड ने ग्लूकोज ले लिया, और उसको कहाँ पे पहुँचाना है, बॉडी के हर एक सेल में पहुँचाना है। तो जब वो जाता है हर एक बॉडी टिश्यूज में तो क्या होता है, तो अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये है आर्टरी। आर्टरी जो है ब्लड को लेकर के आता है, और आर्टरी में क्या क्या रहता है, आर्टरी में न्यूट्रिएंट्स वगैरह सब रहता है, ऑक्सीजन भी रहता है। और ये आ गया कहाँ पे, ये टिश्यू स्पेस में आ गया। ठीक है, अब वहाँ पे देखिए ये आर्टरी जो है बहुत फाइन फाइन ट्यूब्स में टूट रहा है, दिख रहा है क्या, ये बहुत सारे फाइन ट्यूब्स में टूट गया, यस और नो। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कैपिलरीज, क्या बोलते हैं, कैपिलरीज। ये है ब्लड कैपिलरी, क्या है ये, ब्लड कैपिलरी, क्योंकि इसके थ्रू क्या फ्लो कर रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा है। ये आया ऑक्सीजन को जो है दे दिया, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, और फिर ये निकल गया यहाँ से, क्लियर है क्या, ये वेन में निकल गया, और ये वेन जाकर के फिर से जाएगा हार्ट के पास, हार्ट भेजेगा जाओ ऑक्सीजन लेके आओ, कहाँ पे भेजेगा, लंग के पास। ठीक है, तो एज द ब्लड पासेस थ्रू द कैपिलरीज इन द टिश्यू, तो जैसे ही ब्लड पास हो रहा है इस कैपिलरीज में, सम वाटर अलॉन्ग विथ मेनी स्मॉल वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस मूव आउट। तो इसके थ्रू जो है वाटर निकलता है, थोड़ा सा वाटर निकलेगा, और वाटर में जो जो सोल्यूबल चीज़ें हैं वो भी निकल जाती हैं, मूव आउट इन टू द स्पेसेस बिटवीन द सेल्स ऑफ द टिश्यूज। तो जो जो सेल्स हैं, सेल्स के बीच वाले स्पेस में ये निकल जाता, क्लियर है क्या, लीविंग द लार्जर प्रोटीन्स एंड मोस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट्स इन द ब्लड वेसल्स। और ब्लड वेसल में क्या क्या रह जाएगा, जो बड़ा प्रोटीन है जो कि इसके थ्रू नहीं निकल पाया वो रह जाएगा, एंड मोस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट्स, फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या क्या आ गया, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, मोस्टली वो अंदर ही रहेंगे, क्लियर है क्या। तो ये कहाँ पे आ गया, ये आ गया यहाँ पे सेल्स के बीच में आ गया, यस और नो, ठीक है ना, वाटर प्लस वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस। द फ्लूइड रिलीज आउट इज कॉल्ड द इंटरस्टीशियल फ्लूइड। और ये जो फ्लूइड बाहर निकला है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरस्टीशियल फ्लूइड या फिर टिश्यू, क्लियर है क्या, यस और नो। इट हैज सम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन, सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज दैट इन, जो प्लाज्मा में मिनरल है ऑलमोस्ट सेम नहीं रहता है किसमें, इंटरस्टीशियल फ्लूइड, क्लियर है क्या, दिख रहा है हम लोग को, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन है, बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट, सल्फेट, ऑर्गेनिक एसिड, प्रोटीन, सब कुछ जो है जो भी प्लाज्मा में है आपको ऑलमोस्ट वही मिल जाएगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। ठीक है, केवल लार्ज प्रोटीन्स नहीं रहेगा, ठीक है, और जो है फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो है बाहर ही। एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, गैस एड्स एटसेट्रा बिटवीन द ब्लड एंड सेल्स ऑलवेज ऑकर थ्रू दिस। अब ये जो फ्लूइड है, ये जो निकला फ्लूइड, इस फ्लूइड में क्या क्या है, बहुत सारा है ना, लाइक वाटर है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह है इसमें, समझ में आ रहा है। अब ये जो निकला, ठीक है, तो क्या हो गया, ब्लड कैपिलरी से, ये हो गया ब्लड कैपिलरी, यस और नो, ब्लड कैपिलरी से ये निकला, ठीक है, क्या क्या निकला, ऑक्सीजन निकला और न्यूट्रिएंट्स निकला, यस और नो। और ये यहाँ पे एक फ्लूइड है, ठीक है ना, इस फ्लूइड को क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जो हम लोग देखें यहाँ पे,
टिश्यू फ्लूइड। और जो है इस, अब यहाँ पे सेल है हमारा, क्या है यहाँ पे सेल है, सेल जो है इसको ले लेगा और सेल जो है अपना कार्बन डाइऑक्साइड इधर दे दिया और ये इधर से कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया। क्लियर है क्या? तो इस फ्लूइड के थ्रू एक्सचेंज होता है किसका, न्यूट्रिएंट्स का और गैसेस का। क्लियर है क्या? ऑलवेज ऑकर थ्रू दिस फ्लूइड। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है ना ब्लड फ्लो, ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स निकल गया यहाँ से, दिख रहा है क्या? और उसके बाद फिर जो है जो वेस्ट वगैरह है ये सब चला गया इसमें। क्लियर है? तो आया ब्लड, ब्लड ने ऑक्सीजन दे दिया, न्यूट्रिएंट्स दे दिया और ब्लड जो है कचरा जो कि वेस्ट है वो लेकर के ब्लड चला गया। An elaborate network of vessels called the lymphatic system collects this fluid and drains it back to the major vein. अब जो यहाँ पे ये जो cells, मतलब कि ये जो interstitial fluid है यहाँ पे, ये जो interstitial fluid है ना, ये दिख रहा है क्या, ये interstitial fluid। अब ये जो interstitial fluid है यहाँ पे दिख रहा है lymph capillaries भी है, ये लिम्फ कैपिलरीज इंटरस्टिशियल फ्लूइड को अंदर अपने लेगा, दिख रहा है क्या, यस और नो, अंदर अपने ठीक है। तो ये लिम्फेटिक सिस्टम है, तो लिम्फेटिक सिस्टम का अपना अलग से वेसल्स हैं, ठीक है, तो लिम्फेटिक वेसल्स बोलते हैं। तो एन एलाबोरेट नेटवर्क ऑफ वेसल्स कॉल्ड द लिम्फेटिक सिस्टम कलेक्ट दिस फ्लूइड and drains it back to the major veins. ये interstitial fluid लिया यहाँ से, ठीक है ना, और उसके बाद फिर देखा कि एक जा रहा है एक heart के पास, एक vein जा रहा है, वो जाकर के यहाँ पे फिर से उसको दे दिया। clear है क्या? check वेक कर लिया, कुछ सब कुछ सही है तो ठीक है, और जाके फिर से vein को दे दिया, तो vein फिर से इसको लेकर चला गया किसके पास, heart के पास। clear है क्या? The fluid in the lymphatic system is called the, ये जो fluid होता है जो कि interstitial fluid है which is found in the lymphatic system, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, lymph. Lymph is a colorless fluid containing specialized lymphocytes which are responsible for the immune responses of the body. Okay. तो ये जो lymph है ये कैसा fluid है, क्या color है इसका, क्यों कलरलेस है, क्योंकि आरबीसी तो कभी बाहर निकला ही थे ना, नहीं था ना, आरबीसी तो ब्लड वेसल के अंदर ही रह गया था, आरबीसी कभी निकला ही नहीं था, तो कलर कहां से आएगा। इट इज अ कलरलेस फ्लूइड कंटेनिंग स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यून रिस्पॉन्सेस ऑफ द, क्लियर है क्या, यस और नो, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स भी लिखा हुआ है अलग अलग, ठीक है, कौन कौन सा लिम्फोसाइट होता है। ये लिम्फ जो है कलरलेस फ्लूइड है और ये कंटेन्स स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स, ठीक है, ये लिम्फोसाइट्स एक्चुअली जो है इम्यून रिस्पॉन्स देता है बॉडी। क्लियर है क्या, कि जो है ये याद रखता है कि भैया कौन सा इन्फेक्शन आया था पहले, है ना, फिर जो है ना अलग अलग चीज़ें ये बना करके रखता है, सबका अलग अलग काम है, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स, तो यहाँ पे देख रहे हैं बी सेल, हेल्पर टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल, रेगुलेटर टी सेल, नेचुरल किलर सेल, ये सब है, ये सब क्या है, लिम्फोसाइट, और ये इम्यून सिस्टम का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्लियर है क्या? इनफैक्ट जो है इस लिम्फोसाइट्स में एक टाइप का लिम्फोसाइट जैसे कि हेल्पर टी सेल, ये गायब हो जाता है तो पता है क्या हो जाता है, एड्स, एड्स यही है कि हेल्पर टी सेल केवल गायब हो गया, बाकी सब कुछ है लेकिन हेल्पर टी सेल, एक सेल इसमें से अगर गायब हो गया तो फिर आदमी मर जाता है। कैन इमेजिन कि कितना इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर है क्या? इसको जो है अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए।